देशमा प्रोमेशन हाई स्कूल आज का टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 साइंस मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के मटेरियल के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम कीवर्ड्स को क्लियर करेंगे। इट्स अ रिवीजन क्लास, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड को क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर, दिस इज वन इज एटम। एटम क्या? कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, उसके सबसे छोटी यूनिट। जिस टाइप से अगर हम बॉडी की बात करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उनकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। उसी टाइप से किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। इट्स क्लियर। कंडक्टर क्या होता है? वो मटीरियल जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास आउट हो सकती है। कंडक्टर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होते हैं? इसमें द मोर हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से। जैसे कि चलो हम इसमें एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जस्ट देन यहाँ पर जैसे कि Fe है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या है? एक दूसरा मेटल है, उसका कंपाउंड है CuSO4 कॉपर सल्फेट। रिएक्शन के बाद क्या होता है? आयरन Fe कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को कॉपर सल्फेट में से डिस्प्लेस करके अलग कर देता है और SO4 के साथ एक कंपाउंड बना लेता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। Fe का कहाँ हो गया? कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया SO4 से और Fe को उसके साथ कंपाउंड बना लेता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें कि मेटल्स को खींच कर ड्रॉन करके वायर्स में चेंज किया जा सकता है। एलिमेंट्स क्या होता है? वो सबस्टांस कैन नॉट बी ब्रोकन या तोड़ा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, कूलिंग के द्वारा, हीटिंग या किसी भी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। हार्डनेस क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं इन अ गिवन रूम टेम्परेचर। मेलेबिलिटी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एक्चुअली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है? इसमें मेटल्स को क्या होता है? कैन बी बिटन, बीट करके, बहुत तेज से बीट करके उसे पतली पतली शीट्स में चेंज किया जा सकता है। दिस इज मेलेबिलिटी। आपने सुना है ना सोने और चांदी की पतली पतली शीट्स के बारे में सुना है ना? यस, दिस इज मेलेबिलिटी। उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है मेटल्स की कि उन्हें बीट करके बहुत पतली लेयर्स में बदला जा सकता है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या हैं? ये जिनमें सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटल्स हार्ड होते हैं, लस्टर्स मतलब शाइनी सरफेस, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब है मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड हैं जो कि पॉजिस, जिनके अंदर करेक्टर पाए जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के दोनों। भाई इस हमने सारे मेटल्स से कुछ करेक्टर पढ़े हैं बाय द कीवर्ड्स, राइट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल ना तो मतलब सेम मेटल्स का पॉजिट हो गए, मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, सोनोरस नहीं है, पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस का तो ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होती है बच्चों, जिसमें कि दो अगर मेटल को आपस में स्ट्राइक किया जाए तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज सोनोरस, करेक्ट। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। कुछ है गिव रीजंस, जिनका रीज़न हमें समझना है। एल्युमिनियम फॉइल्स, जो एल्युमिनियम के फॉइल्स है, हम अपने घरों में खाना रैप नहीं करते, एल्युमिनियम फॉइल का क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज एल्युमिनियम मेलिएबल है। मेलिएबल मतलब पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है और एयर वाटर से रिएक्शन नहीं करती। ओके, इमर्सन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सबस्टेंस। जैसे हम पानी को गर्म नहीं करते तो वो मेटल्स की क्यों बनी होती है? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बहुत हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, आसानी से हीट को कंडक्ट करते हैं। कहाँ से? रॉड से वाटर तक। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता सॉल्ट में से, क्योंकि कॉपर जिंक से हाईली रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाता। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसमें Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था क्योंकि Fe कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव था, पर कॉपर जिंक से हाईली रिएक्टिव नहीं है, इसलिए जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। सोडियम और पोटेशियम को क्यों कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है? क्योंकि दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम और पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये तुरंत एयर से रिएक्शन करके से रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए कैरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं। एंड कैन यू स्टोर लेमन पिकल एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में? हम लेमन पिकल को क्यों नहीं रख सकते? नो, क्योंकि लेमन पिकल क्या होता है? एसिडिक नेचर के होते हैं, इसमें एसिड पाया जाता है और एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, तुरंत ही पॉइजन बनाता है, बहुत पॉइजनस केमिकल्स बनाता है, इसलिए हम पिकल्स अचार को एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के पॉट में नहीं रख सकते।
चलिए व्हाट व्हेन हैपन, क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड पॉर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर क्या है, मेटल्स की बनी है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, जो कॉपर प्लेट पे डाला जाता है तो कॉपर H2SO4 में से, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से H2 को डिस्प्लेस कर देता है और SO4 का रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। आयरन नेल आर प्लेस इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल रखे जाते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के कॉपर सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, वो तुरंत आयरन को, सॉरी आयरन तुरंत कॉपर में से उसके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह FeSO4 बना लेता है। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। चलिए राइट डाउन द वन इक्वेशन, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रोसेस। चलो इसे तो आप रहने दीजिए। प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। किसकी प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी, अपीयरेंस है, हार्डनेस है, मेलेबल है, डक्टिलिटी, हार्ड कंडक्शन, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी टाइप के जैसे मैंने अभी आपको समझाए हैं। व्हाई इज पोटेशियम आर नॉट स्टोर्ड इन वाटर, पोटेशियम को वाटर में क्यों नहीं रखा है, तो हाईली रिएक्टिव है, वाटर के ऑक्सीजन तुरंत रिएक्शन करके रूम टेम्परेचर रिएक्शन करके कैचिंग फायर, आग लग जाती है, इसलिए वाटर में ना रखे, उन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल एकदम क्लियर कर ही चुके हैं। कॉरोजन, ये नया टॉपिक है कॉरोजन, कॉरोजन क्या है, देखो जैसे रेंसिडिटी आपने सुना है ना, सॉरी दिस इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का क्या धीरे धीरे जंग लगना, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे बहुत सारे मेटल्स में, खाली आयरन की बात करें, सारे मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें इस तरह का प्रोसेस पाया जाता है कि मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन से, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मॉइस्चर की प्रेजेंस में अपना ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ऑक्साइड उनकी लेयर पे जम जाता है, उसे कहते हैं कॉरोजन, राइट। मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट, मॉइस्ट एयर से एक्सपोज होते हैं और कवर्ड हो जाते हैं एक डल लेयर के ऊपर तरह डिपॉजिट हो जाते हैं, ये लेयर कैन बी ईजिली आसानी से हटाई जा सकती है। नेक्स्ट सच लेयर टू बी फाउंड इन दिस वे मेटल इज ईटन अप और कॉरोड एंड द प्रोसेस कॉल्ड कॉरोजन। कैसे बचा सकते हैं, वेरी गुड, या तो दूसरे मेटल की कवरिंग कर दो या पेंट कर दो, पेंट कर दो इससे, या फिर ऑयल ग्रीस लगा दो सरफेस पे, कोटिंग कर दो मेटल्स की, अदर मेटल्स की, दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पढ़ा है आपने, या फिर इसको एलॉय, एलॉय करके, एलॉय मतलब कि दो मेटल्स, नॉन मेटल मेटल को मिला के एलॉय बना दिए जाते हैं ताकि उसे कोरोजन से बचाया जा सके। लॉन्ग क्वेश्चन पे आप मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक आपको सारे करें, डक्टाइल है, मेलेबल है, सारी लर्न करेंगे। फिर उसके बाद नॉन मेटल की सेम अपोजिट है जैसे मेटल्स की, बस नॉट नॉट आपको लगाना है, राइट। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में डिफरेंस, अपनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, केमिकल से जब ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अच्छे से ये टेबल आप पूरी लर्न करेंगे, जैसे भी स्कूल खोलते तुरंत आपका टेस्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।